स्वागत है आपका चैनल देसी स्वाद में। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, देसी स्वाद चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दम आलू, जिसके लिए हमने ये मीडियम आकार के आलू लिए हैं। इनको हमने एक विसल आधे तक बॉयल करके रख लिया है। इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, हल्का सा ही बॉयल करना है। और उसके छौंक के लिए हमने लिया हींग, जीरा, ये टमाटर और हरी मिर्च को, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, हमने तीनों का पेस्ट बना लिया है। और ये खड़ा मसाला लिया है। और ये हमने मूंगफली ली थी, जिसको हमने दही डाल के और राई डाल के पीस लिया है। इसका ये मिक्सचर जो है, हम इसकी मसाले में डालेंगे। और ये मसाले स्वाद अनुसार, सबसे पहले हम आलूओं को छील लेंगे। देखिए, इसमें मीडियम आकार के ही आलू लेने चाहिए। अगर नहीं मिले तो बड़े आलू जब आप लें तो उनको बीच में से दो पीस कर लें। ऐसे ही हम सारे आलूओं को छील लेंगे। अब हमने सारे आलूओं को छील लिया है। अब हम इन आलूओं को फोक के सहायता से ऐसे ही इनके अंदर डकिंग कर लेंगे, ताकि जो मसाला है वो आलूओं के अंदर तक चला जाए। ऐसे ऐसे हमने सारे आलूओं में डकिंग कर लेनी है। हमने सारे आलूओं को ऐसे ही डकिंग कर लिया है। अब हमने कढ़ाई में तेल रख दिया है। अब हमने कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है। अब हम अपने सारे आलूओं को इसमें फ्राई कर लेंगे। तेल को तेज कर दिया हमने। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। बीच बीच में से इनको हिलाते रहेंगे। ताकि ये सब तरह से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये देखिए, हमारे आलू जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इन सब आलूओं को हम प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ये देखिए, ऐसे ही हम सब आलूओं को निकाल कर प्लेट में रख लेंगे। हमारे आलू फ्राई हो चुके हैं। अब हमने एक कढ़ाई में तेल ले लिया है। अब इसमें हम सबसे पहले हींग डालेंगे। ये खड़े मसाले डाल देंगे। जीरा डाल देंगे। हमने इसमें प्याज का यूज नहीं किया है। ये देखिए, ये हमारे खड़े मसाले जो है वो फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। हमने ये जो मूंगफली का पेस्ट तैयार करके रखा था,
उसको डाल देंगे। अच्छे से हिला देंगे। ये देखिए कि हमारा पेस्ट जो है वो घी छोड़ रहा है। आपके पास काजू हो, बादाम हो, खसखस हो तो आप उसका पेस्ट बना के भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें ये जो हमने टमाटर और अदरक हरी मिर्च पीस कर रखी थी ये वाला भी पेस्ट डाल देते हैं। अब इनको हम अच्छे से हिला लेंगे। अब इसको हम पकने देंगे और इसका एक मसाला तैयार कर लेंगे। जब ये मसाला घी छोड़ देगा तो उसके अंदर हम फिर आलू डालेंगे। ये देखिए हमारा मसाला जो है फ्राई हो रहा है। अब इसमें हम डालेंगे ये धनिया पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला हम सबसे बाद में डालेंगे। अब इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारा ये घी जो है वो ऊपर ना आ जाए। इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए काफी गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब तो हम इसमें आलू डाल देंगे। ये देखिए हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम ये जो आलू हमने फ्राई करके रखे थे इनको इसके अंदर डाल देंगे। और अच्छे से हिला देंगे। अगर आप सूखे ही इनको बनाना चाहते हैं तो आप इनको सूखे ही फ्राई कर लीजिए। अगर आप ग्रेवी बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसके अंदर पानी डाल दीजिए। ग्रेवी आप अपने अनुसार ही बना सकते हैं। ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप ज्यादा बना लीजिए, कम खाना पसंद करते हैं तो कम पानी डाल दो। ये देखिए ये हमारी ग्रेवी जो है वो बॉयल हो रही है। अब हम इसमें गरम मसाला डाल देंगे। अब इसको हम 5 मिनट के लिए पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हमारी जो दम आलू की सब्जी है वो बनकर तैयार है। घी भी देखिए ऊपर आ गया है, इसका कलर कितना अच्छा आया है। अब हम इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए हमारी स्वादिष्ट दम आलू की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसको पूड़ी, पराठा, नान किसी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।